अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में वही पुराने नाश्ते बना बना कर दे देकर बोर हो गए हैं, तो आप कुछ नया ट्राई कीजिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इस गेहूं के आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल बना लेंगे, यानी कि बैटर बना लेंगे। लम्प्स फ्री, मतलब कि बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए इसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे ना तो आपको इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें काफी लम्प्स आ जाएंगे। ये देखिए, ना ही ये बहुत गाढ़ा है और ना ही पतला, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। अब इस बैटर को हम सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे और उतनी देर में हम इसके लिए एक मजेदार सा तड़का बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून तेल लेंगे। तेल के हल्का गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून उड़द दाल बिना छिलके वाली, 1/2 टीस्पून चना दाल। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा भूरा कलर ना आ जाए। हल्का भूरा कलर आते ही इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें, 4 से 5 बारीक कटे कड़ी पत्ते, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 चम्मच नमक। ध्यान रखिएगा, नमक हमने आटे के बैटर में भी डाला है तो उस हिसाब से इसमें कम ही रखें। सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए इसको भूनना है और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इस तड़के को हम इस बैटर में मिक्स कर देंगे। तड़के के साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इस तड़के और हरे धनिए को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, तड़का जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब लेंगे एक तवा या फ्राई पैन और उसे हम थोड़े से ऑयल से जो है ग्रीस कर लेंगे। तवे के हल्का गर्म होते ही इसमें हम इस तरीके से बैटर डालेंगे एक से डेढ़ करछी और इसे फैला लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा मोटा मत बनाइएगा इसको, थोड़ा पतला ही रखिएगा तो खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और सॉफ्ट भी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि ये ऊपर से ड्राई ना दिखने लगे। जैसे ही ये ऊपर से आपको ड्राई यानी कि सूखा दिखने लग जाए तब इसको हम ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे इसके। इस तरीके से पलट के भी हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे। लग रहे ना बहुत ही यमी और है ना कितनी जबरदस्त हेल्दी और इजी सी रेसिपी। आप इसे बच्चों के टिफिन में उनके फेवरेट स्नैक्स या फ्रूट के साथ पैक करें। एक बाउल में ली है 1/2 कप पीली मूंग दाल, ये बिना छिलके वाली है। साथ ही ली है 1/2 कप साबुत लाल मसूर की दाल। अब इस दाल को साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इस दाल की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएं। फिर इस दाल को पानी में भिगो कर रख देंगे रात भर के लिए या फिर 4 से 5 घंटे के लिए। और ये देखिए, दाल पानी में भीगने की वजह से सॉफ्ट हो गई है और फूल भी गई है। अब एक मिक्सी जार में इस दाल को ट्रांसफर करेंगे। दाल के साथ ही मिक्सी जार में ऐड करेंगे हरी मिर्च, या फिर आप बिना हरी मिर्च के भी बना सकते हैं अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। 1/2 इंच अदरक को भी चाकू से काट कर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कप ओट्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाश्ता कितना ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनने वाला है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें पूरा 1 कप पानी लगेगा पर मैं थोड़ा पानी बचा रही हूँ जिसे मैं बची हुई दाल को पीसने में यूज करूंगी। मिक्सी जार का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से पिस गई है। अब इस दाल और ओट्स के मिक्सचर में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की बारीक कटी शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई 1 मीडियम साइज की गाजर, बारीक कटा मीडियम साइज का 1 प्याज, बारीक कटा हरा धनिया। साथ ही फ्लेवर के लिए कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 3 चुटकी हल्दी। साथ ही ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना यूज करें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस बैटर में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, या फिर आप इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 चम्मच ही ऐड करिएगा।
सोडा या इनो डालने से ये नाश्ता अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्लफी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। सोडे के ऊपर एक चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे पैनकेक की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब तवे को थोड़े से ऑयल से ग्रीस करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और फिर करछी से थोड़ा बैटर लेकर मीडियम गर्म तवे पर इसे इस तरह से फैलाएंगे गोल शेप में। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा मोटा मत रखिएगा, थोड़ा पतला ही बनाइएगा। अब इसे ढक्कन से ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऊपर से थोड़े ड्राई ना दिखने लगे। ये देखिए जब इस तरह से ये पैनकेक्स ऊपर से थोड़े ड्राई दिखने लगे तब ढक्कन हटाकर इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। फिर पलटकर बिना ढक्कन से ढके इसे दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। और जैसे मैं तो तवे पर एक बना रही हूँ पर आप इसे एक साथ तवे पर दो या तीन भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और है ना कितनी जबरदस्त ग्लूटेन फ्री हेल्दी और इजी सी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे पनीर और पनीर को चाकू से इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। फिर पनीर के कटे हुए पीसेस पर डालेंगे कुछ मसाले, लाल मिर्च पाउडर, मैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, नमक 1/4 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार, पिज्जा सीजनिंग या ऑर्गेनो। पिज्जा सीजनिंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ना डालें और इसकी जगह पर आप चाट मसाले का यूज भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। पनीर को हल्के हल्के हाथों से मसालों में मिक्स कर देंगे ताकि सभी मसाले पनीर पर अच्छे से कोट हो जाएं। पनीर को मसालों से कोट करने के बाद मीडियम गरम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर तवे को ऑयल से ग्रीस करके फिर तवे पर मसालों से कोट हुए इस पनीर के टुकड़ों को एक एक करके तवे पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए पनीर को चारों साइड से अच्छे से पका लेंगे यानी सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा कि पनीर को तवे पर रखते ही करछी या चम्मच से पलटिएगा नहीं वरना पनीर टूट जाएगा या फिर तवे पर चिपक कर निकलेगा। अब हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने व्हाइट ब्रेड ली है। अब एक कटोरी लें और कटोरी को ब्रेड स्लाइस पर रखकर इस तरह से गोल शेप में कटोरी की मदद से काट लें और ब्रेड के ये जो साइड्स बचे हैं ना इसे आप फेंकेगा नहीं, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या फिर किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। ब्रेड को गोल शेप में काटने के बाद बेलन से इस तरह से ब्रेड को बेलकर फ्लैट कर लें ताकि इन्हें शेप देने में आसानी हो। मैंने सभी ब्रेड के रिंग्स को बेलन से बेलकर फ्लैट कर लिया है। अब एक पिज्जा कटर लेंगे और पिज्जा कटर से इन ब्रेड्स पर इस तरह से कट्स लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कट्स ब्रेड्स के एंड तक ना जाएं। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू से ब्रेड पर ये कट्स लगा लें, बस ध्यान रखिएगा कि कट्स ब्रेड के एंड तक ना जाएं। फिर ब्रेड के चारों तरफ अच्छे से पानी लगाकर और पनीर के स्लाइस को ब्रेड पर इस तरह से रखकर अच्छे से रोल कर देंगे और ये जो हमने कट्स लगाए हैं उसकी वजह से देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब एक तवे या पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम या फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेक लें, पर सेकते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसके साइड्स भी जरूर सेकिएगा नहीं तो वो कच्चे रह जाएंगे। आप इसे बच्चों को घर पर दें या उनके टिफिन में पैक करें उनकी फेवरेट सॉस या डिप या फिर फेवरेट फ्रूट के साथ। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, मीडियम साइज की गाजर और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। अब इस हंकड़ यानी गाढ़े दही में ऐड करेंगे पनीर, ये 50 ग्राम पनीर है। पनीर और हंकड़ को अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां और बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, साथ ही स्वाद के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/6 चम्मच पिज्जा सीजनिंग या ऑर्गेनो, 1/2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, लेकिन आप मिर्च मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब रोटी बना लेते हैं, नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी है ये। रोटी में घी या तेल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या फिर आप घर पर बची हुई रोटी से भी ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। रोटी को बीचों बीच से काट कर दो टुकड़ों में कर लेंगे।
चाकू या फिर पिज्जा कटर, किसी से भी आप रोटी को काट सकते हैं इस तरह से। अब दही पनीर का थोड़ा सा मिक्सचर लेकर रोटी पर इस तरह से रखेंगे, फिर रोटी को इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप देंगे और ये क्यूट से प्यारे प्यारे छोटे ट्रायंगल्स तैयार है। और अब बस तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर इन ट्रायंगल्स को अलटते पलटते हुए पका लेंगे और फिर इन टेस्टी हेल्दी दही पनीर ट्रायंगल्स को बच्चों के टिफिन बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में सर्व करें। मैंने लिया आधा कप साबुत हरी मूंग दाल और इसे मैंने रात में ही पानी में भिगोकर रख दिया था। जब आपको ये नाश्ता सुबह बनाना हो तो आप एक रात पहले ही दाल को भिगोकर रख दें तो ना सुबह ये नाश्ता फटाफट से सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अब इस दाल का पानी हटा देंगे और मिक्सी जार में इस दाल के साथ साथ आधा इंच अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। अब इस दाल को पल्स मोड पर दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है और बिना पानी के दरदरा ही से आप पीसें। आपने अपने बच्चों को अगर एक बार बनाकर ये नाश्ता दे दिया ना तो वो आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हल्के गरम तवे को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर करछी की मदद से थोड़ा सा बैटर लेके इस बैटर को तवे पर फैला देंगे। इसे बहुत ज्यादा मोटा मत रखिएगा, मीडियम पतला ही रखना है। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ क्योंकि इसकी एक खास वजह है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। मैंने इसे दोनों साइड से ही अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लिया है और आप देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। वैसे आप इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं अपनी मनपसंद चटनी या फिर चाय कॉफी के साथ, पर मैं इसे एक मजेदार सा ट्विस्ट दे रही हूँ जिससे ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने एक ब्रेड ली है, ये होल व्हीट ब्रेड है, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड को हल्का सा घी लगाकर दोनों साइड से हल्का क्रिस्प कर लेंगे। जैसे ही ब्रेड हल्की सी क्रिस्प हो जाए तब ब्रेड के एक साइड पर टमाटो केचप लगाएंगे। टमाटो केचप के बाद अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ कद्दूकस किया हुआ चीज, ये प्रोसेस चीज है। चीज ऑप्शनल है लेकिन चीज डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, इतना कि वो कभी भी मना नहीं करेंगे इसे खाने के लिए। अब इस पर मूंग दाल वाला टोस्ट रखेंगे जो हमने बनाकर रखा था, फिर दोनों साइड से इसे एक बार फिर से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त हेल्दी मूंग टोस्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, अब इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू तो देखिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन मैश किए हुए आलू में डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई आधी गाजर, बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही में डालेंगे थोड़े से फ्रोजन कॉर्न। अब इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच सोया सॉस। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी या मसाले आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या आप कोई और भी मसाला या सब्जी ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, आलू का मसाला तैयार है। अब हम लेंगे ब्रेड, यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ली हैं होल व्हीट, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब आलू का मसाला हम इस ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे यानी कि अच्छे से लगा देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस पर आलू का मसाला लगाने के बाद एक प्लेट में लेंगे सफेद तिल, और सफेद तिल कितने फायदेमंद होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, एनर्जी से भरपूर होते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। ये तिल आपको हल्के ब्राउन या भूरे कलर के दिख रहे होंगे ना, क्योंकि ये देसी तिल हैं, और जो बिल्कुल व्हाइट कलर के तिल होते हैं ना वो नायलॉन तिल होते हैं। अब ब्रेड के जिस साइड पर आलू का मसाला लगा है उस साइड को तिल के ऊपर इस तरह से रखकर हाथों से ब्रेड को हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि तिल ना ब्रेड पर अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से है ना, ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी।
अब हल्के गरम तवे पर थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे और फिर ब्रेड के जिस साइड पर तिल लगे हैं उस साइड को तवे पर रख कर लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। अच्छा, इसे ना हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा वरना तिल ना जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जब तिल वाला ब्रेड का साइड सिक जाए तब ब्रेड के दूसरे साइड पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर पलटेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी हो गई है ये ब्रेड। अब इसे तवे से उतार कर कट करेंगे और इस हेल्दी टेस्टी और यूनिक नाश्ते को बच्चों के टिफिन में उनके फेवरेट फ्रूट स्नैक्स के साथ सर्व करें।